जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अवैस है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सबसे एक्सक्यूज़ करूंगा कि मैं अपना वीलॉग काफ़ी दिनों बाद अपलोड कर रहा हूं। कुछ अपनी मसरूफियात और कुछ अपनी सुस्ती काहली की वजह से मैं अपना वीलॉग टाइमली अपडेट नहीं कर पाया, तो उसके लिए मैं आप सबसे दिली मोहतरत करता हूँ। इन द मीन वाइल फार्मेसी के बिज़नेस में या मेडिसन्स के बिज़नेस में काफ़ी डेवलपमेंट हुई। उनमें सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि जी अगर आपने अपना लाइसेंस लेना चाहते हैं या फिर अपना लाइसेंस रिन्यू करवाना चाहते हैं तो उसका सिस्टम बिल्कुल मुख्तलिफ या चेंज कर दिया गया है। पहले जैसा कि मैंने आपको अपना पूरा एक तफसीली वीलॉग बनाया था कि अगर आप अपना लाइसेंस को एक्वायर करना चाहते हैं या रिन्यू करवाना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, तो अब मैं आपको जो न्यू डेवलपमेंट है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा कि अब आपने वही डॉक्यूमेंट्स जो पहले आपके डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड थे, डॉक्यूमेंट्स आपको वही सब चाहिए, लेकिन अब वैसे नहीं जैसे पहले हम एक फ़ाइल बनाकर जाते थे ड्रग ऑफिस में और वहां जाके वो फाइल सबमिट करवाते थे, फिर वो आपको कॉल करते थे कि आके आप अपना बायोमेट्रिक करवा लें और बायोमेट्रिक के बाद जाकर आपके जो भी रिस्पेक्टेड आपके ड्रग इंस्पेक्टर होते थे वो आकर आपका विजिट करते थे और आपको ओके करते थे। अब इसमें चेंजिंग आ चुकी है। सबसे बड़ी बात, इसकी फ़ी चेंज हो गई है, इसकी फ़ी बढ़ा दी गई है। जो आपने चालान भरना है उसको उसकी फ़ी बढ़ा दी है। इसके साथ साथ पहले आपको 2 साल का लाइसेंस मिलता था, अब आपको 5 साल का लाइसेंस मिलेगा। तो अब आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने डॉक्यूमेंट्स तमाम वही जो पहले मैंने अपने व्लॉग में आपको डिटेल में बताया था वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने दोबारा अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद वो आपने जाकर फाइल सबमिट नहीं करवानी बल्कि आपने वो फाइल अपलोड करनी है, क्योंकि अब ये एक ऑनलाइन सिस्टम बना दिया गया है। आपने मतलब ई सर्विसेज पंजाब गवर्नमेंट ऑफ हेल्थ ने ई सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, उसके साथ साथ कुछ आप कह लें कि डीमेरिट्स या कुछ हर्डल्स भी हैं। उसमें जो सबसे ज़्यादा मुश्किल या मुझे फेस करनी पड़ी और जो कि और बहुत से लोगों को फेस करना पड़ी या आप कर रहे हैं, मेरा मकसद इस वीलॉग को बनाने का ये है ताकि वो इस मुश्किल या इस परेशानी से बच सके। होता क्या है कि ई सर्विसेज पे जाकर आपको 2 IDs बनाने पड़ते हैं। एक ID प्रोप्राइटर बनाता है और एक ID आपका जो फार्मासिस्ट है वो बनाएगा। अब हुआ क्या कि मैंने भी अपना ID बनाया और एक ID बने मेरे फार्मासिस्ट ने बनाया। जो मेरा ID था मैं उसका पासवर्ड भूल गया या मैंने ID गलत दे दिया, आप कुछ भी समझ लें, उसका पासवर्ड मेरे पास था नहीं, जिसकी वजह से मेरा ID कार्ड वहाँ पे यूज़ हो चुका था। मैं नया ID बनवा ही ना सका। उसकी मैंने बहुत कोशिश की, बहुत इवन ये कि मैं लाहौर तक गया, जो आपके मतलब आपके प्रोविंस का हेड ऑफिस है वहाँ तक गया, जाकर मैंने वहाँ रिक्वेस्ट की, मैंने ऑनलाइन रिक्वेस्ट की, फ़ोन पर मैं फॉलो अप करता रहा, क्योंकि मेरा ताल्लुक मुल्तान शहर से है, मैं मुल्तान ऑफिस में जाकर जो मुतल्लिका ऑफिसर हैं मैं उनके पास जाता रहा, वो भी आगे रिक्वेस्ट करते रहे, इन रिटर्न भी मेल्स भी करते रहे, टेलीफोनिकली भी उन्हें उनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन वो मेरा मसला हल ना हुआ। हुआ ये कि मेरा फिर वो जो लाइसेंस था वो एक्सपायर हो गया और मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा। फिर इन द एंड मुझे यही करना पड़ा कि मैंने फिर अपना प्रोपराइटर ही चेंज कर दिया। अब वो मैं जो बिज़नेस जो मैं पहले अपने नाम कर रहा था वो मुझे किसी और के नाम से करना पड़ा और उसको ऑफ कोर्स उसे भी इन्वॉल्व करना पड़ा। तो अब आप जो भी ID बनाएंगे, सबसे पहला स्टेप और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपने उसका पासवर्ड याद रखना है। मैं नीचे डिटेल में नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक भी दे दूंगा जो ई सर्विसेज वालों का है, जहाँ जाकर आपने अपना IDs बनाने हैं। जब आप अपना ID बना लेंगे, जो प्रोप्राइटर का ID होगा और उसके साथ साथ जो आपके फार्मासिस्ट का ID होगा, वहाँ जाकर फिर आपने अपनी तमाम पर्टिकुलर्स आपने इनपुट करने हैं। उसमें आपका नाम, आपकी लोकेशन, हर चीज़ उसके अंदर होगा, वो स्टेप बाय स्टेप होगा। उसके बाद फिर वहाँ पर जाकर आपने अपने जो भी आपके आपने जो वहाँ पे इनपुट किया होगा डाटा, उसका आपने प्रिंट आउट लेना है। इसी तरह आपके फार्मासिस्ट का जो ID बना होगा, उधर जाके तमाम डॉक्यूमेंट्स देकर आपका उनने जो जो डॉक्यूमेंट्स मतलब आपने जो अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ दी है, स्टेप बाय स्टेप उसमें आपके पर्सनल
हैं, आपके आपके बिजनेसेस के बारे में, जो आपके प्रीमिसेस है उसके बारे में आपने इन्फॉर्मेशन दी, या जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि आपने जो फार्मासिस्ट है उसने किस किस टाइम उसने अपनी डिग्री कंप्लीट की, उसका नंबर क्या है, वो तमाम जो आपने अपने इनपुट्स दी उधर डेटा की, उसका आपने प्रिंट आउट ले लेना। वो उसका प्रिंट आउट लेकर आपने अपनी फाइल में लगा देना, और उसके बाद आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपने वहाँ पे अपलोड भी करने हैं स्कैन करके। जब ये आपका तमाम प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपने अप्रोच करना है अपने ड्रग ऑफिस को। वहाँ जाकर आप उन्हें अप्रोच करेंगे, फिर उनका एक विजिट होगा, वो आके तस्वीरें लेंगे, तस्वीरें भी अपलोड होंगी आपकी। अच्छा, फिर आपने इसमें बायोमेट्रिक, जिस तरह आपको कॉल की जाती थी वहाँ जाकर आप बायोमेट्रिक करते थे, अब वैसा नहीं है। बायोमेट्रिक आप किसी भी नादरा वालों से सहूलत, जो के क्योसिक सेंटर्स बने हुए हैं डिफरेंट जगह पे, आप वहाँ जाकर अपने सिंपल सी एक बायोमेट्रिक करवाएं, वो आपकी रसीद आपको वहाँ से मिलती है, वो रसीद आपने जाकर स्कैन करनी है और वो अपलोड कर देनी है। ये तमाम प्रोसेस है जो कि अब ऑनलाइन हो चुका हुआ है। इसके बाद इसमें अभी क्योंकि स्टार्ट है, स्टार्ट तो नहीं क्योंकि इसे तकरीबन 1 साल तो हो चुका हुआ है ये सिस्टम स्टार्ट हुए, लेकिन कह लें कि अभी इनिशियल है, तो इसमें थोड़ा सा डिले चलता है। इसमें आप ये अपने मेंटली तौर पे आपने तैयार रहना है कि ये आपका लाइसेंस आने में और इसे कंप्लीट प्रोसेस होने में, फिर इसके रिवर्सल्स भी लगती हैं। तो कोशिश कीजिएगा बहुत ध्यान से, आपने वहाँ पे इनपुट करना है तमाम डाटा, और जो आपका एग्जैक्ट लोकेशन है आपके प्रीमिसेस की, आपकी शॉप की, वही आपने अपने, अगर आपकी रेंट की शॉप है तो आपने जो आपके दरमियान एग्रीमेंट हो रहा है आपके और आपके ऑनर लैंडलॉर्ड के दरमियान, उधर एग्जैक्ट वो ही एड्रेस हो जो आप उधर इनपुट कर रहे हैं। अगर वो ज़रा ऊपर नीचे हो गया तो आपका वो रिवर्सल लगेगी और फिर आपके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो ये तमाम प्रोसेस आपका चेंज हो चुका हुआ है। आज का छोटा सा वीलॉग था जो कि मैं आपको गाइड करना चाह रहा था, या मैं आपको अपडेट करना चाह रहा था कि आपने अब अपने जो नया लाइसेंस आपने अप्लाई करना है उसके हवाले से आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। इंशाल्लाह ताला मेरी अब कोशिश होगी कि मैं इंशाल्लाह ताला फ्रीक्वेंट बेसिस के ऊपर जो जो न्यू डेवलपमेंट्स आ रही हैं या हो रही हैं, मैं इंशाल्लाह ताला अपलोड करता रहूँगा, और मैं उन तमाम दोस्तों का, उन तमाम व्यूअर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे अप्रोच किया, जिन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह ताला वीलॉग जल्दी मैं नेक्स्ट अपलोड करूँगा और आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।